मेरे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसके अभी तो हमने 3 लेक्चर कर लिए, और इससे पिछले लेक्चर में अपने पढ़ा था बायो सावर्ट नियम, बायो सावर्ट का नियम। तो आज जो टॉपिक है वो है लंबे तथा सीधे धारावाही प्रेमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले अपने को बायो सावर्ट नियम आना चाहिए। अगर आपको बायो सावर्ट नियम आता तो आप 1-2 मिनट आगे बढ़ा लीजिए, मैं एक बार आपको बायो सावर्ट नियम रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए, बायो सावर्ट नियम क्या था कि अगर कोई चालक तार है जिसमें I परिमाण की धारा बह रही है, तो बायो सावर्ट नियम आपको पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र नहीं बताता था, वो आपको किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताता था। तो अपने क्या किया था, एक अल्पांश काटा था जिसकी लंबाई ने डी है, एक छोटा सा टुकड़ा इसका तार का काट लिया था, और इस अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता था इसके केंद्र से, इस अल्पांश के केंद्र से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो पूरा तो नहीं होता था, बी नहीं, उसको हम डी बी बोलते हैं। डी बी मतलब छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, अल्प चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसका मान आता था μ0 अपॉन 4 पाई इंटू में IdL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये आता था फॉर्मूला, जहां पे आर ये दूरी है और थीटा इस अल्पांश और इस आर के मध्य बना कोण था। तो ये डी बी बराबर μ0 अपॉन 4 पाई IdL साइन अपॉन आर स्क्वायर, ये था बायो सावर्ट के नियम से। ये पूरे तार की वजह से नहीं है, ये चल इस अल्पांश की लंबाई डीएल के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र था। तो ये बायो सावर्ट नियम है। और अब इसी को काम में लेते हुए अपने को इसका डेरिवेशन कि लंबे तार के, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है परिमित लंबाई, एक होती है अनंत लंबाई, एक होती है परिमित। जो लंबाई है वो तो अनंत ना होकर फिक्स है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। परिमित लंबाई का जैसे जो भी तार है उसकी लंबाई फिक्स है, ठीक है। अनंत लंबा मतलब बहुत बहुत लंबा नहीं है, इसका एक फाइनाइट लेंथ है। तो टॉपिक यही है, लंबे तथा सीधे धारावाही प्रेमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। 1 मिनट थोड़ा सा, तो क्या अपना लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए इसको हटा दे, ये बायो सावर्ट नियम रिवाइज करवा दिया आपको। अब देखिए, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा एक बार सुनते जाइए, थोड़ी आपको लिखनी कैसे है वो देख लीजिए, जैसे मैं आगे थोड़ी लिख दूंगा वैसे। तो मान लेते हैं अपने पास एक कोई चालक तार है, धारावाही चालक तार है, कि मान लिया अपने पास ये कोई धारावाही चालक तार है जिसको अपन क्या मान लेते हैं, ये कोई धारावाही चालक तार है जिसको अपन एक्स वाई बोल देते हैं, एक्स वाई बोल देते हैं। और मान लेते हैं इसमें एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर करंट आई बह रहा है, करंट आई बह रहा है, चल रहा है, धारावाही चालक तार है, परिमित लंबाई का लंबाई जो भी है, ठीक है। और ये जो आपका चालक तार है वो इस कागज है बोर्ड के तल में स्थित है, यहाँ आप लिखोगे कागज के तल में स्थित है, और अपने को इससे लंबवत दूरी ए पर कोई बिंदु पी है, इससे लंबवत दूरी ए पर कोई बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर अपने को इस तार की वजह से चुंबक के क्षेत्र क्या होगा वो बताना है। अब ध्यान से आप डायग्राम को देखिए, मैंने बिंदु ए को बिल्कुल बीच में नहीं माना, मैंने थोड़ा बहुत ऊपर, यानी ये बिल्कुल बीच में नहीं, अगर बीच में मानेंगे तो एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, उसको हम बाद में केस में कर लेंगे कि अगर ये बिंदु पी बिंदु पी इस तार के बिल्कुल मिडिल में हुआ, बीच में हुआ, इसका इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब अर्धक पर हुआ, तो चुंबक स्तर क्या होगा वो अपन बाद में निकाल लेंगे। अपन बिंदु पी को ऐसा मान रहे कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो देखिए यहाँ निकालना, तो क्या करें, अब ये है तार एक्स वाई, तो मान लेते हैं कि जो तार का एक्स सिरा है, ये तार का जो एक्स सिरा है इस बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर कुछ कोण बना रहा होगा, उस कोण को अपन कुछ मान लेते हैं, उस कुछ को अपन फाई वन मान लेते हैं, कोण मानना है तो मैं इसको फाई वन मान लेते हैं। ये जो कोण बन रहा है ये बिंदु पी, यहाँ ये कोण बन रहा है इसको मैंने मान लिया कितना, फाई वन मान लिया, कितना माना है इसको, फाई वन मान लिया। और जो वाई सिरे से इस बिंदु पी पर जो कोण बन रहा है उसको मैंने मान लिया, भाई कुछ तो कौन बन रहा होगा, उस कुछ को आप फाइव टू बोल दीजिए, और ये दूरी यहां से लेके यहां तक दूरी स्मॉल ए है, इस बिंदु का आप ओ मान लीजिए, इस तार में ये धारा यहाँ बह रही है। अब अपन पूरे तार की वजह से अपने को निकालना नहीं आता,
पूरे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन अपने को बायो सावर्ट नियम आता है, एक छोटा सा अल्पांश काट ले तो उस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अपन निकाल सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस ओ बिंदु से, इस ओ से, यह आपका बिंदु ओ है, इस ओ से एल दूरी पे नीचे आके, इस ओ से एल दूरी नीचे आके एक डीएल लंबाई का अल्पांश काट लेते हैं। ये अल्पांश काट लिया, इस अल्पांश की जो लंबाई है वो अपन मान लेते हैं कि डीएल है, डीएल मतलब छोटी सी लंबाई, कोई डाउट। और मान लेते हैं कि इस अल्पांश के केंद्र से, इस अल्पांश के केंद्र से ये दूरी आर है, ये दूरी आर है। देखो फाइव वन है पूरा, ये फाइव टू है और ये पूरा फाइव वन है, ये पूरा फाइव वन, इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये फाइव वन पूरा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक इस दूरी को मैं कितना मान लेता हूँ आर। और ये कोण देखो, या तो ऐसा कर ले इसको फाइव मान ले और इसको 90 मान ले, इसको थीटा मान ले। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ थीटा, जिससे थोड़ा सा आसान ज्योमेट्री थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ये थीटा मानने से थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। देखिए अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो त्रिभुज बन रहा है, ओ पी एच त्रिभुज बन रहा है, ये थीटा ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये लंबवत दूरी यहां से, ये दूरी कौन सी है लंबवत 90 डिग्री, ये थीटा है ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। भाई आपको बायो सावर्ट का नियम लगाना है, तो बायो सावर्ट का नियम लगाने के लिए आपको इस अल्पांश और दूरी आर के बीच का कोण आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पे इसको आप थीटा मान लो, इसको थीटा मत मानो, आप इसको थीटा मानो, जिसे ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई परेशानी यहां तक आपको नहीं है। अब जो बातें मैंने बोली समझ आ गया, डेरिवेशन आसान है, एक बार इसको थ्योरी लिख लीजिए। तो आप क्या करो, पॉज करके डायग्राम बना लो और डायग्राम को एक बार थोड़ा सा ध्यान में बैठा लीजिए और इसकी थ्योरी लिख लीजिए। तो थ्योरी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, या आप लिख लीजिए कि माना एक प्रेमिस लंबाई का चालक तार एक्स वाई, जिसमें आई मान की धारा एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर बह रही है, अब इस तार इस कागज के तल में रखा हुआ है। क्लियर, डायग्राम बनाइए मेरे साथ, आप लिखिए, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए, जिसका भी नोट अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो लिखिए लिखिए लिखिए, तो माना जो आपने ये रामायण लिखे हैं उसको शब्दों में डाला है, तो लिखिए माना एक प्रेमित लंबाई का, माना एक प्रेमित लंबाई का चालक तार, प्रेमित लंबाई का चालक तार, डायग्राम बना के लिखना, चालक तार एक्स वाई है, एक्स वाई कागज के तल में, कागज के इस प्लेन, आपका बोर्ड का जैसे मान लो मार्कर, ये हो गया कागज का तल, आप कागज का तल लिखोगे, मैं बोर्ड का तल लिखूंगा, तो बात एक ही है। तो मैं भी यहीं पे लिख रहा हूँ, कागज के तल में, एक्स वाई कागज के तल में स्थित है, वह इसमें आई मान की धारा, आई मान की, आई परिणाम की धारा, आई मान की धारा एक्स सिरे से वाई सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, वाई सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब बह रही है, चल रही है, प्रवाहित हो रही है। क्लियर, अपने क्या करना है, हमें तार से लंबवत दूरी ए पर स्थित किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो आगे लिखिए, हमें इस तार के कारण, हमें अगर आप थोड़ी लिख सकते हो तो आप आगे जाके डेरिवेशन देख लीजिए, हमें इस तार के कारण इससे लंबवत दूरी, हाँ ये बात थोड़ा सा कर लेना, ये जो दूरी मैंने स्मॉल ए मानी है उसको बुक में स्मॉल डी लिख रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस तार के कारण इससे लंबवत दूरी, इससे लंबवत दूरी स्मॉल ए पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हमने बिंदु ओ से एल एल दूरी नीचे पे एक डीएल लंबाई का अल्पांश काटा। तो यह बात खुद लिखोगे, आगे वाली थोड़ी आप समझ गए कि हम, मैं चलो लिख देता हूं, इसके लिए हमने बिंदु ओ से एल दूरी नीचे एक डीएल लंबाई का अल्पांश काटा, डीएल लंबाई का अल्पांश काटा, वह बिंदु पी की,
वह अभीष्ट बिंदु पी की अल्पांश डीएल के केंद्र से, अल्पांश डीएल के, इसके अल्पांश के सेंटर से, अल्पांश डीएल के केंद्र से, अल्पांश डीएल के केंद्र से दूरी कितनी मानी आपने, स्मॉल आर, केंद्र से दूरी स्मॉल आर है। तो ये हो गया इसकी थ्योरी के बारे में। बाकी आपने फाइव वन फाइव टू डायग्राम में दिखा दिया, लिखने को इनको भी लिख सकते कि फाइव वन या एक्स पी पे जो कोण मारा हुआ है। बाकी आपने डायग्राम में तो बातें लिखी, डायग्राम अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है, फिर भी अपन ने लिख देते इससे थोड़ा सा इंप्रेशन अपना अच्छा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में सारी चीज अपने आप में एक्सप्लेन है कि आपने लिखा है, ये डायग्राम है उसी को आपने यहाँ पे लिखा है। क्लियर यहाँ तक? आगे चले तो अपन पूरे तार की वजह से अपने को निकालना नहीं आता है, तो अपने किसकी वजह से आता है, अपने को अल्पांश की वजह से आता है बायो सावर्ट के नियम से। तो देखिए अल्पांश डीएल के कारण, इस अल्पांश डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र में निकाल लेते हैं। तो देखिए आगे समझ आ रहा है तक? क्लियर है? दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से? दिखाई दे रहा है? ठीक है, दूरी ए है उधर मान, ठीक है दिखाई दे रहा है, लिख लोगे? आगे चले तो आगे देखिए अब करना क्या बनेगा, इस अल्पांश डीएल के कारण निकाल लेते हैं, और पूरा निकालना तो आसान है, समाकलन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट कर देंगे उसको पूरे को, छोटा सा पता चल जाए, बाकी निकालना अपने को आता है, ये तो बायो सावर्ट ने हमें सीखा था। तो देखिए अल्पांश डीएल के कारण, इस अल्पांश के कारण, अल्पांश डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या पूरा आएगा? क्या पूरे तार की वजह से आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, पूरा भी तो नहीं आएगा, तो छोटा सा आएगा, तो छोटे से क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं, इसको डीबी बोल देते हैं, अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र डीबी। तो डीबी का मान क्या होगा बायो सावर्ट के नियम से देख लीजिए, तो डीबी बराबर क्या होता है आप जानते हो, डीबी बराबर बायो सावर्ट नियम का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा क्या था, इस अल्पांश और केंद्र, इस दूरी के, इस अल्पांश के केंद्र और आर के बीच बना कोण, तो ये होता है थीटा, और वो थीटा आज क्या है 90 माइनस थीटा है, ये थीटा ये मतलब देना, ये वाला कोण लेना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे 90 माइनस थीटा, कोई परेशानी मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं है, थीटा मैंने आपको समझा दी, ये वाला कोण लेना है तो 90 माइनस थीटा, ये आपने इसको थीटा माना है, ये 90 है तो त्रिभुज बन रहा है, 90 माइनस थीटा होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है, आपको समझ में आ रहा है। अब आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, आप इधर साइड में लिख देना कॉपी के कि साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास से पढ़ रहे हो, क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह आप कोस थीटा लिख सकते हो, तो डीबी बराबर क्या आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया आपका चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश की वजह से। तो एक अल्पांश यहाँ काटे, एक यहाँ काटे, एक ये काट लिया, एक यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, तो पूरा तार कवर हो जाएगा। तो पूरे तार को कवर करने के लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा। अब समाकलन कहाँ से कहाँ करें, ये भी दिक्कत है कि समाकलन कैसे कर दे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा समाकलन, तो देखिए कैसे करें। तो देखिए जब आपने ये अल्पांश काटा, आपने थीटा ये लिया, जब आपने थीटा कौन सा लिया, ये थीटा लिया, तो आपने यहां तक कवर कर लिया। अगर आप थीटा, इस थीटा को बढ़ाओ तो थीटा बढ़ता जाएगा, अगर थीटा को 5 1 तक ले जाओ, भाई देखो पहले आपने यहाँ अल्पांश काटा होगा, ये थीटा लिया होगा, फिर आपने यहाँ काटा होगा, थीटा ये हो गया होगा, फिर आपने यहाँ काटा होगा, थीटा ये हो गया होगा, समझ आ रहा ना, यहाँ काटा होगा ये थीटा, फिर यहाँ काटा होगा, समझ आ रहा है कि यहाँ पे चेंज कौन है, थीटा चेंज हो रहा है। तो पूरे तार को कवर करने के लिए आपको नीचे कहाँ से जाना पड़ेगा 5 1 तक, ऊपर कहाँ जाना पड़ेगा 5 2 तक, भाई यहाँ आपने अल्पांश काटा तो ये थीटा होगा, फिर यहाँ काटा ये थीटा होगा, तो पूरे के लिए थीटा कितना हो जाएगा 5 2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। अब खास बात यहाँ पे है कि थीटा भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे आर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, देखिए आगे तो संपूर्ण तार, देखिए आएगा समझ में, लिखिए एक बार आगे, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय
क्षेत्र। तो क्या करोगे, उसको बी बोल देते हैं। तो बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इस पूरे का, इसको बी नेट वैसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं बी लिख रहा हूँ, बी मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका भी समाकलन करो, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल, आई डी एल अल्पांश की लंबाई है, आई स्टार में बहने वाली धारा है, इंटू में कॉस थीटा बटे में क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, अब समाकलन करने के लिए यहाँ पे कोस आ रहा है भाई, आई तो फिक्स हो गया, आई फिक्स है भाई, जो तार में करंट बह रहा है वो फिक्स है, आपने फिक्स कर रखा है, चेंज कर सकते, यहाँ पे फिक्स लिया अपन ने, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, क्लियर भाई। म्यू नॉट अपन 4 पाई कितना होता है, 10^-7 होता है, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स। अब चेंज कौन है, डीएलबी लंबाई, डीएलबी फिक्स है, डीएलबी फिक्स है, अल्पांश लंबाई लिया आपका फिक्स नियतांक हो गया। तो चेंज कौन है, थीटा और आर, आर कैसे चेंज हो रहा है, अगर आपने यहां अल्पांश काटा तो आर ये, अगर आपने यहां काटा तो आर ये हो जाएगा, यहां काटोगे आर ये हो जाएगा, यहां काटोगे आर ये हो जाएगा, तो यार अगर यहां काटो तो ये आर होगा, है कि नहीं, यहां काटो तो ये आर होगा, तो आपका आर भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। अगर आपने यहां अल्पांश काटा तो ये आर होगा, ये आर कौन सा, ये आर होगा, और ये थीटा बनेगा, यहां पे ये थीटा बनेगा, है कि नहीं, तो थीटा और आर दोनों चेंज हो रहे हैं। और थीटा तो डी थीटा के साथ तो समागम होता है, आप जानते हो कोस थीटा डी थीटा जो है वो थीटा डी थीटा के साथ एक समाकलन होगा, तो मैं डीएल को हटाना पड़ेगा और आर को हटाना पड़ेगा, दो दो यहाँ पे चेहरा आ गए, थीटा भी चेहरा है और आर भी चेहरा है, तो इसको हटाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो आपने यहां तक मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए, क्लियर है, चले आगे। तो मैं ये बातें यहां से हटा दूं, फिर आगे चलता हूं, हटा दूं यहां से, चलिए अब देखिए आगे, अपन इस डीएल को और इस आर को हटाना चाहते हैं, तो देखिए इस त्रिभुज में आ जाइए, इस त्रिभुज के अंदर अपन पहले मान निकाल किसका, इस आर को हटाते हैं। देखिए आर क्या होगा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ओ पी और जो भी है इसको कुछ नाम दे दीजिए, क्या नाम दे, ओडेस नाम दीजिए, त्रिभुज ओ पी ओडेस में, त्रिभुज ओ पी ओ डेस में, इसको मैंने ओडेस बोल दिया, बिंदु है ना, ओ पी ओ डेस में आप आर को हटाना चाहते हो, तो आर को आप लिखो, देखो इसमें लिखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करण, आधार बटा करण, तो थीटा ये रहा, तो ए क्या होगा आधार और आर क्या होगा करण, भाई 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, क्या होता है या आधार बनेगा ये लंब बनेगा, क्लियर है। तो इसमें कोस क्या होगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी ओ डेस में कोस थीटा क्या होगा आधार बटा करण, तो आधार क्या है ए, करण कितना है यहां से आर, तो आप जान गए कि आर बराबर यहां से क्या आएगा, इसके नीचे बाद में लिखोगे आर बराबर ए बटा कोस थीटा, क्लियर है, स्मॉल आर बराबर ए बटा कोस थीटा, नीचे कोस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है समझिए ना, इस आर को यहाँ ले, नीचे आर बराबर ए कोस थीटा, यानी मैंने ऐसा लिखा है, उसके बाद चलो इधर लिख देते हैं, स्मॉल आर बराबर ए बटा कोस थीटा, तो स्मॉल आर बराबर ए बटा कोस थीटा, और आप जानते हो एक बटा कोस क्या होता है सेक, जानते हो ना, तो स्मॉल आर बराबर ए सेक थीटा, यानी अपन स्मॉल आर की जगह ए सेक थीटा रख सकते, एक बटा कोस सेक होता है ना, स्मॉल आर बराबर ए सेक थीटा, क्लियर। अब हम इस डीएल को भी हटाना चाहते हैं, तो इसमें वापस आइए इस त्रिभुज के अंदर, फिर से त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी ओ डेस में आप निकालिए टेन थीटा, क्या निकालोगे टेन थीटा, तो टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये थीटा ये रहा थीटा, तो ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, तो लंब कितना इसमें एल, आधार कितना इसमें ए, अब कंफ्यूजन कि सर ए तो यहीं तक एल, आपने तो पूरे यहां तक एल ले लिया, तो एल तो यहीं तक दिख रहा है आपको, सही बात है मैं भी मान लू एल यहीं तक है, लेकिन मैंने एल यहां तक माना है, तो डीएल तो छोटा सा ना, डीएल कितना था छोटा सा, अगर छोटा सा भी मतलब इसमें थोड़ा सा जोरदार थोड़ा सा यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये इसको अपन ने अप्रोक्स ऑलमोस्ट इसको एल ही मान रहे हैं, क्लियर है, कंफ्यूजन होना चाहिए कि एल तो यहीं तक है, नहीं एल यहीं तक मानेंगे, तो ये डीएल के अल्पांश है छोटा सा, ये जूम कर रखा है इसमें, इसको इतना बड़ा है नहीं, ये तो इतना सा अल्पांश है छोटा सा नाना का, समझ आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया समझ में, तो ये आपका समझ गया ना, तो टेन थीटा बराबर एल बटा ए, तो यहां से आप लिख सकते हो एल बराबर ए टेन थीटा, एल बराबर ए टेन थीटा, कोई परेशानी,
एल, ये ए को इधर गुणा कर दिया। अब आप क्या चाहते हो, डीएल चाहिए। आप क्या चाहिए भाई, आपको तो एल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, डीएल चाहिए। तो डीएल लाने के लिए आप जानते थे अगर वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो और आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप इसका क्या कर दो आउटकम, तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स। तो सेम काम यहाँ करते हैं, डीएल लाने के लिए इसका थीटा के सापेक्ष क्या कर देते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे डीएल बाई डी थीटा। क्या लिखेंगे, डीएल बाई डी थीटा बराबर, ए तो कॉन्स्टेंट है भाई, ये तो एक होगा भाई, डी बाई डी थीटा तो करोगे, डी बाई डी थीटा ए टेन थीटा। ठीक है, ये लाइन में आप लिखूंगा नहीं वैसे, ठीक है, ये तो करोगे भाई, ये तो नियतांक, तो नियतांक तो नियतांक गुणा में आ जाएगा। और टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, याद है फॉर्मूला, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से डीएल बराबर, इसको डी थीटा से गुणा कर दीजिए तो आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक बातें क्लियर है, तो आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए, अब करना कुछ नहीं है। ये डीएल का और आर का मान, इसको समीकरण नंबर एक बोल दो, डीएल और आर के मान, यहां से डीएल का मान, यहां से आर का मान उठा के इस समीकरण एक में पटक दीजिए और पटक के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, चले आगे। ओके, हटा रहा हूं ऊपर वाला ना, ठीक है, ये सारे। तो देखिए इधर, ये तो बिंदु P है ही आपका, तो B बराबर, B बराबर, तो क्या करना है, लिखोगे क्या, डीएल आर वे, सॉरी डीएल व आर का मान, डीएल व आर का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब थोड़ा सा एक काम और कर लेता हूँ, ये तो मेरे को समझा नहीं आते भाई, समाकलन करो, लिमिट लेनी पड़ेगी, समाकलन कर रहे हो, लिमिट लेनी पड़ेगी, ये काम कर रहे हैं हमारी, लिमिट देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, समाकलन कर रहे हो तो लिमिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, थीटा, चेंज कौन है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है, थीटा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पहले मान रखिए बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई है, डीएल की जगह क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और आगे क्या है यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन, नीचे क्या है, आर आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है, ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा का वर्ग। तो देखिए ध्यान से देखोगे तो बी बराबर क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई, यहाँ ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आराम, ये इसका स्क्वायर होगा, ऊपर ए नीचे ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, आई कोस थीटा और डी थीटा, ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ए बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ए बचेगा, ये भाई ऊपर तो ए है, नीचे ए का वर्ग ए स्क्वायर, तो ए बटा ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा, नीचे ए ही बच जाएगा। अब देखिए बारी आती है कि समाकलन तो करेंगे, लेकिन समाकलन कहाँ से कहाँ करेंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे, तो आ जाइए। अब देखो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, तो चेंज करो क्या थीटा, यानी अपन ने दो वेरिएबल को हटा के, दो चरों को हटा के एक ही सिंगल वेरिएबल में, सिंगल चर में अपन इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब थीटा चेंज है, तो देखिए थीटा, ये ना थीटा, कि एक बार थीटा ये लोगे, ये थीटा चेंज है, तो देखिए जब नीचे जाओगे तो ये कितना होगा 5 1, और ऊपर कितना होगा 5 2। तो ध्यान रखना थीटा कहाँ से मेजर करते हैं, इस लाइन से, इस जो लंबवत दूरी है इस लाइन से मापना है, इस लाइन से मापना है, समझ आ गया। अब एक को आप प्लस मान लो और एक को आप माइनस मान लो, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, यह आपका आप, यह आपका ओपी है, इसके नीचे वाले को अगर आप माइनस मानते हो तो ऊपर वाले को प्लस मान लो, या ऊपर वाले को माइनस मानते हो तो नीचे वाले को प्लस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कोई फर्क फाइनली नहीं पड़ेगा, समझ आ गया। तो मैं क्या करूं, इसकी जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां आएगी, देखो लिमिट मैंने पहले नहीं बताया, अब सुनिए,
माइनस फाइव वन से फाइव टू, फिर आगे लिमिट समझ में क्लियर है कि कहां से मापना है, ओ से पी, ओपी से मापना है। अगर इसको आपने माइनस मान लिया तो ऊपर वाले को प्लस मान लो, उल्टा बोल लो, उसको आपने माइनस मान लिया तो उसको प्लस मान लो। तो मैं क्या करूं, इस नीचे वाले को तो मान रहा हूं माइनस, तो माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू हो गया पूरा कवर। कि अगर आप यहां से लेके पूरा कवर करने के लिए आपको थीटा को घुमाना है, थीटा को वेरी करवाना है, यहाँ थीटा यहाँ 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 पे पूरा कवर हो गया फाइव टू पे जाने पे। नीचे को कवर करवाना तो फाइव यहाँ थीटा थीटा है, बढ़ रहा बढ़ रहा है, ये फाइव वन हो गया पूरा, तो पूरा तार कवर हो गया अपने को, पूरे तार की वजह से सही है। तो कहां से कहां, तो वो लिमिट कहां से कहां रहेगी, माइनस फाइव वन से फाइव टू। तो लिमिट माइनस फाइव वन से फाइव टू क्यों ली, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो माइनस फाइव वन से फाइव टू दिखाई दे रहा है, तो आप यहां तक पॉज करके नोट कर लो। अब आगे तो मैं इसको नीचे लगा दूं, क्लियर? ओके, अब समाचार करना है, नीचे वाली बातें मैं यहां से रब कर रहा हूं, नीचे वाला नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, चलिए अब कर लो इसको इंटीग्रेट, समाकलन कर दो। और तो मेरे को यहां से कुछ जरूरत, लिख लिए सारे मान अपने यहां तक, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, लिख रहे होंगे आप। चलिए अब देखिए, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, चार पाई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, तो सारे कॉन्स्टेंट समाकलन में क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो बचा क्या, म्यू नॉट नीचे फोर पाई इंटू में आते आई, और नीचे क्या जाएगा, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ फोर पाई ए, फोर पाई ए, ऊपर से म्यू नॉट आई, जैसे फोर पाई ए कॉन्स्टेंट। तो क्या बचा यहाँ पे, कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाइव वन से फाइव टू, माइनस फाइव वन से फाइव टू। तो यहाँ आएगा नीचे म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। अब आप समझ गए, आप जानते हो कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, प्लस सी आता है, उस प्लस सी को भूल जाइए, मैथ में उसका मीनिंग होता है, आप तो सीधा याद रखिए, कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप क्या लिखोगे इसका समा, भाई ये कॉस थीटा, ये डी थीटा, यानी इसका थीटा के साथ क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, कोस थीटा का समाकलन क्या हो गया, साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, माइनस फाइव वन से फाइव टू। क्यों लिया भाई माइनस फाइव वन से फाइव टू, आप सारी कहां, कौन कहां से मापते हैं, इस ओपी लाइन से मापेंगे, नीचे को प्लस मानो तो ऊपर को माइनस, दिशा है ना, एक को अगर आपने प्लस माना है तो दूसरे को माइनस मान लीजिए। अब लिमिट लगा दो, कैसे लगाते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, अपर लिमिट यानी थीटा की जगह एक बार फाइव टू रखना है, फिर माइनस करके इस साइड एक बार ये रखना है, तो क्या आएगा, साइन फाइव टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या रखना है, माइनस फाइव वन रखना है, माइनस का फाइव वन रखना है, कोई परेशानी। अब ये फॉर्मूला और सुनिए, पैसे तो पता होगा आपको, भाई वालों को नहीं पता सुन लीजिए, मैं सारे जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पता नहीं है तो लिख लीजिए, साइन ये माइनस बाहर आ जाता है साइन के अंदर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए यहां पर बी बराबर क्या होगा, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए, म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए, यहां पर साइन फाइव टू, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस साइन फाइव वन, क्लियर? ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो बी बराबर जो फॉर्मूला आएगा उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप ये दोनों फॉर्मूले समाकलन के ये दोनों आप साइड में नोट कर लीजिएगा, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसके बाद में ऊपर लिख रहा हूँ। तो बी का जो फॉर्मूला आपको मिला, बी का जो फॉर्मूला आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन गया, साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन। तो फॉर्मूला मिला आपको बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, मैंने फाइव वन को पहले लिख दिया और फाइव टू को मैंने बाद में लिख दिया, तो ये आता है फॉर्मूला। ये अनंत लंबाई का तार नहीं है, अनंत के लिए फाइव वन फाइव टू को नाइनटी कर देंगे, वो कैसे करेंगे समझते हैं, अगले वीडियो में समझाएंगे उसको। तो यहाँ से समझ आ गया,
यह आता है किसी परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबक के क्षेत्र का मान। ये बिंदु बीच में नहीं लिया अपन ने बिल्कुल, ये कहीं भी यहां से ये कहीं भी हो सकता है, ये दूरी कहीं पर भी हो सके, इस कॉर्नर से भी हो सकती है। तो आप यहाँ तक नोट पोज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे से केसेस पढ़ते, केस वन और केस टू से केसेस करेंगे। यहां तक चले आगे, तो बी का जो फॉर्मूला आ गया आपको याद कर लेना है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। याद रखना ये लंबवत दूरी है, फाइव वन फाइव टू को इस ओपी लाइन से मापना है, एक को फ्लो को अगर एक को प्लस तो दूसरे को माइनस मानना है किसी, अगर मैंने क्या बोला मैंने माइनस इसको लिया, अगर आप देखिए अगर आप लिमिट माइनस फाइव टू से फाइव वन लोगे तो आपका आंसर होगा, तय करके देख लीजिए, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को अगर आपने प्लस माना है तो दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा, चाहे आप करके देख लीजिए, आप रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिमिट माइनस फाइव टू से फाइव वन करोगे तो भी आपका आंसर रिजल्ट आपको ये मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। क्लियर है, चले आगे। अब देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट इसके ये तो हमने यहां से निकाला, इसके किसी एक सिरे से, एक सिरे से लंबी दूरी पर अगर बिंदु पी है तो लिखिए, इसको मैं यहां से रख कर रहा हूं, ठीक है, ओके केस फर्स्ट। अब इस डायग्राम को मैं यहां से हटा दूं, तो ये तो अब डायग्राम हटा रहा हूं यहां से, देखिए आगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि आपका जो बिंदु P है वो इस चालक तार के किसी एक सिरे से A दूरी पर, लंबा दूरी A पर, ये वाला केस भाई बिल्कुल ऐसा बीच में ना हो किसी एक कॉर्नर से यहाँ इसकी A दूरी पर हो, तो लिखिए यदि बिंदु P, यदि बिंदु P परिमित लंबाई के चालक तार से, यदि बिंदु P, एक बार रुकना, यदि बिंदु P परिमित लंबाई के चालक तार के एक सिरे से, एक सिरे से ए सिरे से लंबवत दूरी A पर हो, लंबवत दूरी A पर हो, बुक में इसको D बोल रखा है, मैंने A मान लिया, समझ आ गया, नहीं कुछ ऐसा है कि आपका जो बिंदु P है वो बिंदु जो एक्स वाई तार है, इस एक्स वाई तार के इस कॉर्नर से एक सिरे से, बिल्कुल कहीं नहीं एक सिरे से लंबवत दूरी A पर स्थित है और ये बिंदु P है, तो इस टाइम चुंबक के क्षेत्र का मान क्या होगा, देखिए तो इस टाइम हुआ क्या, अब ये तार ऐसा था, ये बिंदु P, पहले ये फाइव वन था और ये क्या था आपका फाइव टू, तो फाइव टू तो फाइव टू ही रहा, लेकिन फाइव वन ये बिंदु आपका यहां पहुंच गया, तो फाइव वन का मान क्या हो गया यहाँ पे जीरो डिग्री, क्लियर है, समझ आ गया, फाइव टू कितना हो गया यहाँ पे जीरो डिग्री हो जाएगा, और कोई परेशानी इसमें, तो फाइव टू तो ये तो फाइव टू तो फाइव टू ही मान लेते हैं, ये दूरी ए और यहां पर फाइव वन, यहाँ फाइव वन कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, यहाँ फाइव वन कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, ये केस फर्स्ट इसका। तो देखिए तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। अब ये जो तार आपका परिमित लंबाई का है, इसकी लंबाई अपन मान सकते हैं, इस लंबाई को अपन एल मान लेते हैं, इस लंबाई को अपन क्या मान लेते हैं, इस लंबाई को यहां से लेके यहां तक इस तार की लंबाई को एल फोर लेंथ लंबाई मान लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, देखिए म्यू नॉट, इसमें करंट वही आई बार है, दूरी ये ए और ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक दूरी ए है, लंबवत दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है ए, तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए साइन जीरो, फाइव में कितना हो गया जीरो प्लस साइन फाइव टू को फाइव टू रख लेते हैं, या फाइव टू को फाइव भी रख लेते हैं, इसको फाइव टू रख दो आप, तो साइन जीरो कितना होगा जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए यहां पर गया जीरो, जीरो प्लस साइन फाइव टू, जीरो प्लस साइन फाइव टू, कोई डाउट यहां से मेरे हिसाब से नहीं होगी, समझ गए ना, फाइव वन जीरो हो गया, ये पॉइंट आपका यहीं पर आ गया, ऐसे घूम के आपका यहीं पर ऐसे आ गया, तो फाइव वन हो गया जीरो डिग्री, तो यहां पे जो बी का मान आपको मिल रहा है वो आ रहा है म्यू नोट
अपॉन 4 पाई a इनटू में साइन फाई टू, बी नो बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई a इनटू में साइन फाई टू। अपन यहां से साइन फाई टू का मान निकाल सकते हैं। कैसे भाई? साइन क्या होता है अपन जानते हैं, साइन क्या होता है? लंब बटा करण। साइन क्या होता है? लंब बटा करण। तो बस साइन फाई टू का मान निकाल के इसमें रख दो, साइन का मान निकाल इसमें रख दीजिए। और करना क्या है? तो साइन क्या होता है? लंब बटा करण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ये तो क्या होगा, फाई टू है, ये तो क्या बनेगा? लंब। ये क्या बनेगा? करण। और पाइथागोरस से अगर इसका आप मान निकालोगे तो ये क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई परेशानी भाई, इस पी वाई का मान कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो साइन फाई टू का मान कितना होगा? एल अपॉन वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये साइन फाई टू का मान उठा के यहां रख दीजिए। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन फाई टू की जगह रख देना अपने को एल अपॉन वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आपको तो ये तो आपका किसका फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला आपको मिल गया है। कितने यहां तक? मिनोट एक बार, मिनोट आई अपॉन 4 पाई ए एल अपॉन ये आएगा, ठीक है? क्लियर है ना? आया कि नहीं समझ में? अरे कुछ नहीं किया, फाई वन को जीरो कर दिया तो जीरो हो गया। साइन फाई टू बचा, साइन फाई टू का मान इस त्रिभुज से निकाल दिया और निकाल के यहाँ पे रख दिया। ये पहला केस इसका। दूसरा केस क्या हो गया आपका? जो बिंदु पी है, केस सेकंड, केस सेकंड में यहां लिखा हूं, ये जो बिंदु पी है इस तार के बिल्कुल बीच में हो जाए, यानी लंब अर्धक पर स्थित हो, लंब इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर इसके लंब इसका हो गया ना। ये अगर पूरा एल था तो ऊपर कितना आएगा? एल बाई टू। नीचे कितना आएगा? एल बाई टू। तो इस टाइम क्या होगा भाई? बिंदु पी इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तार के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है बिंदु पी, उस टाइम चुंबक के क्षेत्र क्या होगा? तो केस सेकंड का बन जाएगा, यदि बिंदु पी परिमित लंबाई के लंब अर्धक पर स्थित हो। तो केस सेकंड, यदि बिंदु पी क्या चीज है? जिस बिंदु पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के क्षेत्र का मान निकालना है। तो यदि बिंदु पी तार के परिमित लंबाई के तार के लंब अर्धक पर स्थित हो, तार के लंब अर्धक मतलब समझ गया ना, इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर लंब 90 डिग्री का 90 डिग्री पर भी है और इसका आधाक भी है अर्धक। यदि बिंदु पी तार के लंब अर्धक पर स्थित हो, तार के लंब अर्धक पर स्थित हो तो क्या होगा? देखिए डायग्राम, ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये बिंदु पी है, बिल्कुल तार के बीचों बीच है, ये 90 पे, ये दूरी ए होगी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट आपका बी, यानी जो ये दूरी कितनी है यहां से लेके यहां तक, ये ए। ओपी का मान कितना है? स्मॉल है, ये और ये। तो इस बार बताइए क्या दोनों कोण, ये अगर आपने फाई टू माना था या आपने फाई वन माना था, क्या इस बार लेकिन दोनों बराबर होंगे? तो ये इसके लंब अर्धक पर जितना ये होगा उतना ही ये होगा जितना, भाई अगर ये पूरा एल था तो ये कितना होगा? एल बटा दो। अगर तार की लंबाई एल है तो ये कितनी होगी? ऊपर वाली एल बटा दो, नीचे वाली कितनी होगी? एल बटा दो। क्लियर है? यहां से ये आपकी एल बटा दो और ये भी आपकी एल बटा दो ही होगी। तो जितना कोण ये होगा, यानी यहां पर आप बोल सकते हो यहां पर फाई वन और फाई टू दोनों बराबर है, दोनों बराबर को आप फाई मान लीजिए, दोनों बराबर है, फाई वन भी फाई टू, तो मैंने दोनों को क्या मान लिया? फाई मान लिया। बस अब निकाल लो, आप जानते हो बी बराबर क्या होता है? बी बराबर जानते हो आप क्या होता है? बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। फॉर्मूला याद हो गया ना? म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू में साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। लेकिन यहां पर फाई वन और फाई टू दोनों बराबर है, तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया? साइन फाई प्लस साइन फाई। तो ये बन जाएगा बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, क्या हो जाएगा? 2 साइन फाई। इस दो से चार कट जाएगा तो कितना आएगा? म्यू नोट
आई अपॉन टू पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, दो दूनी चार, तो क्या बचेगा, साइन फाई ही बचेगा, साइन फाई। अब इस त्रिभुज से साइन फाई का मान आप निकाल लीजिए, फाई तो साइन फाई कितना होगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण के लिए आपको ये बात निकालनी पड़ेगी, ये भुजा कितनी होगी, ये होगी ए स्क्वायर प्लस एल बटा दो का वर्ग। कहां से निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से आता ना, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, ये ए है, ये एल बटा दो, तो वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल बटा दो का वर्ग आएगा, क्लियर है। अब साइन फाई क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो आप ये भी कितना है, इसको आप फाई लिख लो, इसको आप फाई लिख लो, फाई वन फोर फाइव दोनों बराबर है, तो साइन फाई। अब साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना इसका एल बटा दो, कर्ण क्या है इसका, ये रहा कर्ण क्या है, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का वर्ग, एल बाई टू का वर्ग। तो इसको मैं आगे हल कर रहा हूं, कहां हल करूं, क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, क्लियर। इस वाले को हटा दूं, अगर ये वाला आपने नहीं लिखा है तो ये इधर वाला पॉज करके केस फर्स्ट लिख लीजिए, केस सेकंड लिख लीजिए, केस फर्स्ट आप पॉज करके लिख लीजिए प्यारे बच्चों। ओके चलिए, तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे, किसके बाद, इसके बाद यहां पे, तो क्या आएगा देखिए, साइन फाई बराबर आपको मिलेगा एल बटा दो, नीचे बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा चार, जब लघुत्तम लोगे तो एल बटा दो वर्गमूल के अंदर फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटा चार, वर्गमूल चार बार होगा, बार आएगा दो, इस दो से दो कट जाएगा, तो आपको साइन फाई का मान मिलेगा, आपको साइन फाई का मान मिलेगा एल बटा वर्गमूल के अंदर फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर फोर ए स्क्वायर प्लस एल। आप चाहो तो इस बी को बुक में साथ यहीं तक छोड़ रखा है, बुक में इस बी को यहीं तक छोड़ रखा है, मैंने नया काम कुछ नहीं किया है, मैंने केवल साइन फाई का मान निकाल के आपको रख के बता रहा हूं, ठीक है। ये कितना, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई है, पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बुक में शायद यहीं तक छोड़ा हुआ है, यहीं तक छोड़ा हुआ, देख लेने के बाद बुक में कहाँ तक, हाँ बुक में यहीं तक छोड़ा हुआ है, बुक में यहीं तक छोड़ा हुआ है, मैं इसको आगे भी कर रहा हूँ, कैसे साइन फाई का मान निकाल के लिख रहा हूँ इसमें, तो साइन फाई का मान आ गया, ये साइन फाई इसमें रख दोगे आप तो बन जाएगा ये बी बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, इसमें रख रहा हूँ म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, और साइन फाई का मान आ गया एल अपॉन वर्गमूल के अंदर फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, साइन फाई का मान आगे और रख दिया, आप बुक में यहां तक तो ये भी सही है, मैंने क्या किया, साइन फाई का मान उठा के आगे और रख दिया। अगर देखिए यहां पे बिंदु पी केस थर्ड इसमें बना देते, केस थर्ड इसमें बना देते हैं, तो देखिए थर्ड केस नंबर, थर्ड केस नंबर थर्ड ये कि बिंदु पी अगर आपका इस धारावाहिक चालक तार की एक्स पर ही आ जाए, तो आप यहां तक पहले केस सेकंड थर्ड आपने, ये तो आपका कौन सा था, फर्स्ट था, यह आपने नोट कर लिया होगा, और ये नोट करके आप सेकंड में नोट कर लीजिए केस थर्ड। ओके हो गया यहां तक, नोट कर लो यहां तक, धीरे धीरे चल रहा है अपना, आराम चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है मेरे हिसाब से, तो बस समझ आना चाहिए धीरे, तो टाइम तो कोई बात नहीं, अब एक दो मिनट लग रही है, तो क्लियर, हटा दो इसको, केस सेकंड हटा दूं। ओके केस थर्ड देखिए, ये केस सेकंड था, केस थर्ड में इसको यहां से रब कर रहा हूं भाई, चलिए केस थर्ड क्या है, केस थर्ड ये है कि अगर आपका बिंदु पी है उस धारावाहिक चालक तार की एक्स पर ही आ जाए, धारावाहिक चालक तार की एक्स पर ही आ जाए, तो केस थर्ड इसको देख लीजिए, केस थर्ड, केस थर्ड यदि बिंदु पी, यदि बिंदु पी धारावाही चालक तार की एक्स, तो समझ गया ना कि बिंदु पी है, इसके एक्स पे कहीं आगे मानो यहीं पे आ जाएगी, बिंदु पी यहीं पे आके बैठ गया, मतलब यहीं पे इसके तार या तार के ऊपर ही आ गया, तार के ऊपर ही आ गए, इस कॉलर पे एक्स, मतलब तार के ऊपर, यहाँ ऊपर या नीचे, यहाँ इस तार के नीचे या इस तार के ऊपर इसके एक्स पर आ गया, यदि बिंदु पी धारावाही तार की एक्स पर स्थित हो, यदि बिंदु पी धारावाही तार की एक्स पर
स्थित हो। तो इस अवस्था में बताइए फाइव वन फाइव टू का मान कितना होगा। पहले पी यहाँ था, अब पी यहाँ आ गया, तो बताइए सारी कहाँ से मतलब यहाँ से ये ओ से पी, तो देखिए ये कौन कितना फाइव वन बनता था। तो इस बार ये मतलब पी आप ये ऐसा माप लीजिए, मतलब कितना हो गया जीरो, फाइव वन और फाइव टू। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में बताओ फाइव वन भी कितना होगा, 0 डिग्री, या फाइव वन बराबर फाइव टू बराबर 0 डिग्री। भाई देखिए पी यहीं पे आ गया, तो कौन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये कौन, ये फाइव वन बनता था, तो ये आपका बिंदु पी आपका चलो यहीं पे चला गया, मतलब फाइव समझ आ रहा ना यहाँ ऐसा, ये बिंदु पी यहाँ चला गया। कहाँ से मापोगे, ये माप लो, चलो ये फाइव वन था आपका, ये पहले फाइव क्या था, फाइव टू था, और ये आपका फाइव वन था। अब बिंदु पी कहाँ हुआ, यहां से चल के यहीं पे आ गया, यहां से यहीं आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ से कैसे हो गया, तो फाइव वन भी कितना हो गया जी, फाइव टू भी कितना हो गया जीरो। सेम ये बिंदु कहाँ चला गया, वहां पे, तो फाइव वन भी कितना हो गया जीरो। यानी इस अवस्था में सीधा याद कर लीजिए एक्स पर जीरो होता है, एक्स पे कितना होता है जीरो, कैसे आता है देख लीजिए। तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, फाइव वन भी 0 डिग्री है, फाइव टू भी 0 डिग्री है, और आप जानते हो साइन जीरो का मान जीरो होता है, कितना होता है जीरो, तो जीरो प्लस जीरो भी जीरो ही होगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू जीरो, और जीरो इंटू कुछ भी जीरो होता है, जीरो इंटू कुछ भी जीरो होता है, तो बी का मान यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो आएगा। यानी इस अवस्था में चुंबक की सतह का मान जीरो होगा, या यूं समझ लीजिए अगर आपका बिंदु पी तार की एक्स पर है तो चुंबक की सतह जीरो आता है। बात समझ आ गई, आप डायग्राम भी बना लो एक बार, डायग्राम बना लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ये वाला कौन सा, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, ये बिंदु पी आपका मान लो कहीं यहाँ पे, बिंदु पी आपका एक करंट इसमें आई जा रहा है, ये एक्स और ये वाई। तार कोई सा भी होता है वो अनंत लंबाई को चाहे परिमित लंबाई का, अगर बिंदु पी इसके एक्स पर आ गया तो चुंबक के साथ जुड़ेगा। बायो सावर्ट में भी आप केस बना सकते हैं, मैंने आप वहां पे आपको लिखाया नहीं था कि वहां पे थीटा वन, अगर थीटा 0 डिग्री हो या 100, देखो ऊपर अगर 0 तो नीचे 180 बन जाएगा, अगर बिंदु पी नीचे आ जाए तो उस टाइम साइन 180 बन जाएगा, और साइन 180 भी क्या होता है जीरो, ठीक है, 90 पे मैक्सिमम होगा और जीरो 180 पे जीरो होगा, जीरो और 180 कितना होगा जीरो, अगर बिंदु पी ऊपर है या नीचे, या सिंपल यू समझिए अगर बिंदु पी इस धारावाही तार की सिद्ध में, या इसको बोलते हैं एक्स पर स्थित है, तो उस टाइम चुंबक की सतह जीरो होता है। कैसे आता है जीरो, तो जीरो आ गया। अगर आप नीचे लोगे तो 180 लिखोगे तो 180 साइन 180 भी जीरो होता है, साइन 180 प्लस साइन 180 यानी वो भी कितना हो जाएगा जीरो। तो इस अवस्था में चुंबक की सतह जीरो होता है। अगले केस में अपन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार का कारण चुंबक के क्षेत्र, उसमें उसका भी फॉर्मूला यहीं से बनेगा, इस वाले फॉर्मूले से बने, इस वाले फॉर्मूले से म्यूनोट आई अपन 4 पाई a इंटू में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, वहां पर फाइव वन और फाइव टू को 90 डिग्री कर देंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि वो तार बढ़ समझ आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, और आंसर आपका आ गया म्यूनोट आई अपॉन 2 पाई a, ठीक है, ओके सारे बच्चों धन्यवाद।